हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शादी समृद्धि गाइडेंस पर। मेरा नाम है सीए प्रियंका पुरोहित। तो दोस्तों, आज हमारा सीए फाइनल का ऑडिट का पेपर हुआ। आपका पेपर कैसा था इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो मुझे रिव्यू सुनने को मिले हैं, रिसेप्शन पोर्शन और एमसीक्यू दोनों के ऊपर यही है कि भाई ईजी टू एवरेज था। कुछ लोगों ने कहा कि ईजी था, कुछ लोगों ने कहा एवरेज था। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि आज का पेपर हार्ड था। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो हमारे आईसीआई के बुक से ही पूछे गए थे। तो चलिए अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, आपका पेपर कैसा गया इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो था वो था हमारा एसएस के ऊपर बेस्ड था। उसके ऊपर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के ऊपर, नेगेटिव कन्फर्मेशन के बारे में बताना था हमें। जो पार्ट सी था, फर्स्ट क्वेश्चन का, वो अगेन फिस्कल लॉस के ऊपर बेस्ड था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, इस हिसाब से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं। वो था क्वेश्चन नंबर 2B, ऑडिट ऑफ सीएफएस के ऊपर बेस्ड था। और क्वेश्चन नंबर 2C जो था वो था हमारा फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनल ऑडिटर के वर्क का, उसका यूज़ कैसे करना है, उसके ऊपर था। एसएएस के ऊपर क्वेश्चन था ये। पार्ट बी जो था वो था हमारा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर, और पार्ट सी था प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। लेकिन इसके अंदर आपको सेक्शन जो थे होते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के, वो टेस्ट किए गए थे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगेन 3 पार्ट्स थे। जो फर्स्ट पार्ट था वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बैंक ऑडिट के ऊपर बेस्ड था। पार्ट बी के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स के 5 प्रिंसिपल पूछे गए थे, वो एक्सप्लेन करने थे। और पार्ट सी के अंदर अगेन कंट्रोल्स के ऊपर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। पार्ट बी कारों के ऊपर बेस्ड था, और पार्ट सी एफएमपी सेल्स का क्वेश्चन था। इन्वेस्टिगेशन ड्यू डेलिजेंस के चैप्टर में आपको देखने को मिल सकता है। और लास्टली क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ABC 3 पार्ट्स थे, और सी वाले क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था, जैसे कि जनरली आईसीआई दे रहा है। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कारों के ऊपर सीआईसी जो अमेंडमेंट पोर्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन था। पार्ट बी के अंदर पीयर रिव्यू के ऊपर एक क्वेश्चन था। और लास्टली जो पार्ट सी था उस एक क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स का था, और दूसरा क्वेश्चन जो था वो था ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड। तो ये था आज का हमारा सीए फाइनल का पेपर। अब आपको बस यही याद रखना है कि भाई पेपर ऑडिट का कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप अगले पेपर यानी कि लॉ के पेपर की तैयारी में जुट जाइए। और अगर आपका लॉ का एग्जम्पशन है तो ग्रुप 2 की तैयारी में जुट जाइए। और अगर आपका सिर्फ एक ही ग्रुप बाकी था या आपने एक ही ग्रुप के लिए अटेम्प्ट किया था, तो भाई आप अपने एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, आप रिलैक्स हो जाइए थोड़ा, और बस आगे की चिंता मत करिए। आपने अपना बेस्ट दे दिया है तो भगवान भी आपके साथ ज़रूर बेस्ट करेंगे। आईसीआई के ऊपर भरोसा रखिए, आईसीआई हमारी माई बाप है। और बस जिनके पेपर्स बाकी हैं वो अगले पेपर की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एक पेपर का इम्पैक्ट अगले पेपर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, खास करके नेगेटिव इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं।